काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश के गौरवशाली अतीत की सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने एवं उसके प्रति जनसामान्य में गौरव की अनुभूति कराने के उद्देश्य से सांस्कृतिक गतिविधियों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर आयोजित कर सबकी सहभागिता हेतु प्रेरित करना आवश्यक है। संपूर्ण विश्व को ज्ञान और चेतना का प्रकाश देने वाली भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी। काशी से एक और अभिनव अभियान का श्री गणेश हुआ है, जिसका नाम है काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। इस अनूठे कार्यक्रम को जन जन तक ले जाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई। वेबसाइट, लोगो एवं QR कोड डिजाइन करते हुए उनके द्वारा पंजीकरण इस महोत्सव का एक खास पहलू रहा। विद्यालयों में अभ्यास कक्षाएं आयोजित कर इच्छुक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि महोत्सव के प्रतियोगी वर्ग में 51,000 ऑनलाइन और 7,500 ऑफलाइन पंजीकरण हुए। अंततः 37,010 प्रतिभागियों ने इस महोत्सव में भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र के 3 विकास खंड काशी विद्यापीठ, आराजी लाइन एवं सेवापुरी में 1-5 सितंबर के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर 41 स्थानों पर प्रतियोगिताएं हुई। इनके विजेताओं के लिए इन 3 विकास खंडों में विकास खंड स्तर की प्रतियोगिताएं 7-12 सितंबर तक आयोजित की गईं। प्रतिभागियों को किसी सहायता की कमी महसूस ना हो, इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों, संगतकारों एवं ध्वनि यंत्रों की पूर्ण व्यवस्था कार्यक्रम स्थलों पर की गई। शहरी क्षेत्र में जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं को 5 जोन में 20 स्थलों पर आयोजित किया गया। विकास खंड, जोनल एवं विश्वविद्यालय स्तर के विजेताओं की निर्णायक स्पर्धा 17-20 सितंबर तक शहर के 5 स्थानों पर हुई। ये सभी प्रतियोगिताएं 4 आयु वर्ग, 10-18 वर्ष, 18-40 वर्ष, 40 वर्ष से अधिक व विश्वविद्यालय वर्ग में आयोजित हुई। इस महोत्सव में ग्रामीण क्षेत्र में 12,096 और शहरी क्षेत्र में 24,291 तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 623 लोगों ने प्रतिभाग किया। न सिर्फ काशी अपितु पूरे भारत में ये पहला ऐसा अवसर है जब किसी एक महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों की संख्या हजारों में पहुंची है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अनूठे आयोजन से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के अंतर्गत जन जन जुड़ा। कार्यक्रम को समग्र बनाते हुए दिव्यांग जन, ट्रांसजेंडर, जनजाति और पर्वतीय समुदाय ने भी महोत्सव में प्रतिभाग किया। ये हमारे किन्नर समाज भी बहुत खुश हैं कि ऐसा मंच उनको मिला और इस मंच से जो बधाई गीत होती है, जो आशीर्वाद गीत होती है, वो गाने का हम लोगों को अवसर मिला। हम चाहते हैं कि इसी तरह का मंच मिलता रहे और ये मंच ऐसे ही चलता रहे। विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के साथ साथ गैर प्रतियोगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इनमें शहर के अलग अलग मोहल्लों के गुजराती, मारवाड़ी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगीय, क्षेत्रीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों व व्यापारिक संगठनों के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा 80 घाट पर संध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर में शास्त्रार्थ व भजन संध्या के आयोजन इन दिनों में हुए। इस महोत्सव के 20 दिनों में बतौर दर्शक लगभग 1,75,000 लोग सम्मिलित हुए, जो अपने आप में कीर्तिमान तुल्य है। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के नाम से हुई इस शुरुआत ने वाराणसी क्षेत्र में संगीत की प्रचलित विधाओं को तो नवोत्कर्ष दिया ही है, लुप्त प्राय हो रही जनजाति विधाओं को भी प्रोत्साहन दिया है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में मांगलिक अवसरों पर घर की देहरी के भीतर गाए जाने वाले मंगल गान, खेत खलियानों में गाए जाने वाले गीत पहली बार मंच से मुखरित हुए, जो इस महोत्सव की एक बड़ी उपलब्धि रही है। महोत्सव की एक और विशिष्टता ये भी रही कि इसमें विद्यार्थी वर्ग के अलावा 40 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला, जिनमें से कुछ प्रतिभागियों ने तो वर्षों बाद संगीत को छुआ। प्रथम बार काशी में जन सामान्य हेतु इस तरह का प्रयास हुआ कि उन्हें एक सुनियोजित अवसर और मंच प्रदान किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर छुपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने से वंचित न रह सके। इस महोत्सव में शास्त्रीय संगीत की स्पर्धाएं, ख्याल, ध्रुपद, धमार और अभंग गायकी के रंगों से सराबोर रही। वहीं उप शास्त्रीय गायन में जयती, कजरी, ठुमरी, दादरा के भाव मुखर हुए तो लोकगीत में होरी, बरमासा, चैमासा
और पारंपरिक पचरा के गायन ने श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ी। तंत्रवाद में सितार और वीणा मुखरित हुई तो तालवाद के अंतर्गत तबला, ढोलक, पखावज पर उत्तर और दक्षिण भारतीय बोल सुनाई पड़े। लोक वाद्य की स्पर्धा में नगाड़ा, बांसुरी और इकतारा का कर्णप्रिय वादन सुनने को मिला। शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिताओं में कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी का जोर सबसे अधिक रहा। लोक नृत्यों में घूमर, गणगौर, झूलन, नौटंकी की प्रधानता देखने को मिली। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, दहेज उन्मूलन जैसे विषयों पर रंग कर्मियों ने जन जागरण किया। सभी कार्यक्रम स्थलों को रचनात्मक तरीके से रंगोली, पुष्प सज्जा, होर्डिंग स्टैंडेज व विभिन्न माध्यमों से समारोह की तर्ज पर सजाया गया। मोबाइल युग के अनुसार हर कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों के आकर्षण हेतु सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। प्रतियोगिताओं में 17 विधाओं में एकल तथा समूह के अलग अलग आयु वर्गों के प्रतिभागी विजेता घोषित किए गए। सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्रथम दिवस के प्रदर्शन के पश्चात ही प्रदान कर दिए गए, जबकि सभी स्तर के विजेताओं के लिए विजेता प्रमाण पत्र, मेडल एवं ट्रॉफी वितरित की जा रही है। विभिन्न स्पर्धाओं के जनपद स्तरीय आयोजन के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए स्वयं कला के मर्मज्ञ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है, जो प्रत्येक प्रतिभागी के लिए गौरव का विषय है। पुरातन काशी को संपूर्ण विश्व में नूतन पहचान दिलाने वाले हमारे सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आरंभ हुए इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के प्रतिभावानों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है तथा संस्कृति के प्रति जन सामान्य में श्रद्धा बढ़ी है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक नवांकुर के रूप में जन्म लेने वाला ये काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव आगामी वर्षों में और भी विराट, व्यापक और भव्य स्वरूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल होगा। मैं काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभारी प्रकट करूंगा। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि इस समारोह के कारण ही हम बच्चों को अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिल पाता है। मैं बहुत ही आभारी हूँ मोदी जी की कि उन्होंने काशी का सांसद होते हुए एक ऐसा आयोजन किया है जहां पर बच्चों को अपने टैलेंट को बाहर लाने का मौका मिल रहा है और छुपी हुई प्रतिभाएँ सामने आ रही हैं, और ऐसा सिर्फ मोदी जी ही करा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे काशी में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। धन्यवाद। थैंक यू मोदी जी।